हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो विकास, गुड मॉर्निंग सर। लॉकडाउन की वजह से आपने मुझे नौकरी से तो निकाल दिया। पर सर, नई जॉब ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर कोई नया रिक्रूटमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं सर। तो मैं क्या करूँ भाई? सर, मैं आपके वहाँ पर 8 साल से नौकरी करता था। देखो विकास, लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की फटी पड़ी है, और फिर भी मैं तो बहुत छोटा हूँ। तुम एक काम करो, अपने लिए कहीं और जॉब ढूंढ लो। ओके बाय। पर सर, सबसे बड़े सवाल पर जवाब खोज रही है। आप ही रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन खत्म होगा या बढ़ेगा, महाराष्ट्र आगे बढ़ाने के हक में, यूपी आगे बढ़ाने के हक में, तेलंगाना आगे बढ़ाने के हक में। देश के 4 राज्यों का लॉकडाउन पर क्या रुख है आपने जान लिया। अब जरा प्रधानमंत्री का पापा, किसी का फोन आया। ये विकास भी ना। हेलो सर, मैं विकास। अरे विकास, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हें जॉब पे नहीं रख सकता, फिर भी तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो। तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो। ओके बाय। पर सर, सर 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 एक मिनट सर, वो हमारी अहमदाबाद वाली पार्टी थी ना, केयर फार्मा। सर वो काफी टाइम से आपको कांटेक्ट कर रही है, पर सर आपका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। क्यों? सर उनको सैनिटाइजर बनाने का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी 5 लाख बोतल का, अर्जेंट में। तो प्लीज सर आप बात कर लीजिएगा। ओके रखता हूँ सर। हेलो विकास। जी सर। तुम कल से फैक्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, बट ऑलरेडी मुझे जॉब मिल गई है ईएस पैकेजिंग में। क्या? जी सर। विकास, एक बात पूछूं? हाँ सर। तुम चाहते तो ये ऑर्डर तुम्हारी कंपनी को तुम दिला सकते थे। जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारी कंपनी से ज्यादा आपकी कंपनी को ज्यादा काम की जरूरत है, और वैसे भी मुझे यही सही लगा। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।